बात कर रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज़ की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। ऑलमोस्ट 180 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, देख सकते हैं 180 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद लगातार गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली। जंप आ रहा है, छोटा मोटा जंप स्टॉक में आ रहा है, लेकिन जंप के साथ रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और रिजेक्शन पर लो ब्रेकडाउन करता नज़र आ रहा है। सस्टेन नहीं हो पाया, कहीं पर भी जंप के बाद स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, लगातार गिरावट दिखाता नज़र आ रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं सपोर्ट कहाँ लिया है, ऑलमोस्ट 150 के आसपास। इससे पहले भी सेम लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दिखाया था, 180 तक का गिरावट आई, तो इस सपोर्ट को अब तक तो ब्रेक डाउन नहीं किया है, अपने सेम सपोर्ट को रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ से अप ट्रेंड स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इसके कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि स्टॉक गिरावट में है। अगर जंप के बाद अगेन रिजेक्शन ले गया, जो सिनारियो हमको यहाँ देखने के लिए मिला था जंप के बाद रिजेक्शन, वही सिनारियो अगर यहाँ दिखाता है, रिजेक्शन ले जाता है जंप के बाद और इस लो को ब्रेक डाउन करता है, मतलब 150 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, तो 140 तक का भी फॉल हमको दिखा सकता है। इसीलिए हम इंतज़ार करते हैं, स्टॉक को बाउंस बैक करने देते, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बदलने देते। जैसे कि हमने कहा कि सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है तो अप साइड दिखा सकता है और अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो स्टॉक में जंप आता है तो ये जो रेड कैंडल हम देख सकते हैं, जहाँ से बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली थी, लगातार रेड कैंडल देखने के लिए मिले, 160 का लेवल, यहाँ तक का जंप रेन इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा 160 के लेवल का ब्रेकआउट और इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग का आना। अगर क्लोजिंग भी दे जाता है रेन इंडस्ट्रीज 160 के लेवल को ब्रेकआउट करके, अपने इस हाई को ब्रेकआउट करके, तो उसके बाद हमको यहाँ से अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। जो लो और लो चार्ट पैटर्न था वो गिरावट के बाद फिर हाई और हाई चार्ट पैटर्न की तरफ कन्वर्ट होते और इसका ट्रेंड भी फिर बदलते नज़र आ सकता है। तो 160 इमीडिएट टारगेट है, अगर इसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट 170 और अगेन फिर 180 तक का जंप रेन इंडस्ट्रीज दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।